जस्ट उसके आगे है ना, यूनिट 4 का टॉपिक है। तो एडवर्टाइजिंग कॉपी क्या थी, उसके फीचर्स हमने स्टडी किए थे, ठीक है, और उसमें क्या क्या था। अब देखो टाइप्स, कितने टाइप्स की एडवर्टाइजिंग कॉपी होती है। तो फर्स्ट इसमें देखो टाइप, देखो जिसका फर्स्ट क्लास है आयुष, आयुष एडवर्टाइजिंग कॉपी की मीनिंग समझ लो। जो एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं तो उसमें जो मटेरियल यूज होता है, जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है ना कि क्या कैसे बोलना है, उसकी हेडलाइन क्या होगी, टैगलाइन क्या होगी, क्या इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, या जो सेलेब आ रहे हैं या जो उस एडवर्टाइज में काम करें वो क्या बोलेंगे, तो उसका जो टेक्स्ट मटेरियल है ना, रिटन मटेरियल है एडवर्टाइजमेंट का जो रेडी रहता है, उसको हम बोलते हैं एडवर्टाइजिंग कॉपी। अब नेक्स्ट देखो इसमें, ठीक, तो अब नेक्स्ट इसमें देखो एडवर्टाइजिंग कॉपी, तो टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट कॉपी, देखो कितने तरीके से हम उस मटेरियल को रेडी कर सकते हैं लिखने के लिए। तो एक होगा एजुकेशनल कॉपी, मतलब कभी कभी एडवर्टाइजमेंट ऐसे बनाई जाती है जो ऑडियंस है जो उसको देख रही है उसको एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए, जैसे कि गवर्नमेंट की होती है ना, अभी जैसे एड्स बनती हैं कोविड के चक्कर में इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो वो किस टाइप की होती है, एजुकेशन, मतलब लोगों को एडुकेट करना है ना, टू एडुकेट अ पीपल। नेक्स्ट इसमें देखो क्या होता है, ऐसे उसको करना कि वो लोग उसमें ना अच्छे से वार्म वेलकम कर सकें उस प्रोडक्ट का, वार्म वेलकम ऑफ द प्रोडक्ट। फिर इसमें जो प्रोडक्ट होते हैं है ना, उसके फीचर्स को क्या किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है। तो ये सिर्फ मैं कोविड पैंडेमिक की बात नहीं कर रही हूँ, दुनिया भर के जो भी नए प्रोडक्ट्स आए, जैसे कि अभी आप लोग सेवलॉन देख सकते हो हैंड वॉश वगैरह, उसमें एड कैसे क्लियर तक बताते हैं कि यू हैव टू मेक योर हैंड वॉश टिल 20 सेकेंड्स, देन फिर इसमें ये फीचर्स हैं, 99% बैक्टीरिया को किल करता है। तो इट मीन्स क्या करा है, टू एडुकेट अ प्यूपल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक होती है इंस्टीट्यूशनल कॉपी। अब इंस्टीट्यूशनल कॉपी क्या होती है, देखो इंस्टीट्यूशन कॉपी में क्या होती है, हम इसमें जो कंपनी है ना, या जो एडवर्टाइजर होता है, वो अपना नाम बेच रही है प्रोडक्ट का नहीं। इसका मेन एम क्या होता है, पब्लिक रिलेशन बनाना, फिलोसफीज, ऑब्जेक्ट, ये सब बनाना, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल कॉपी में क्या करती है, सेल्स द नेम ऑफ द कंपनी, इसमें हम कंपनी को प्रमोट करते हैं या फिर एडवर्टाइजर को, नॉट द प्रोडक्ट, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसी एड्स बनाई जाती हैं जिसमें कंपनी को प्रमोट किया जा रहा है, जैसे मूवीज वगैरह होती है ना, मूवीज को प्रमोट किया जाता है, या फिर कुछ कंपनीज ऐसे होती है ना कि हम गवर्नमेंट में देखो इतना परसेंट दे रहे हैं, चाहे हमारा प्राइस हमने बढ़ाया है बट हमने कभी भी क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो ऐसी जो फर्म्स होती हैं उनके लिए ये वर्ड यूज होता है, इंस्टीट्यूशनल कॉपी, ठीक है। ये क्यों होती है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, टू बिल्ड अ गुडविल, ऑब्जेक्ट इज टू बिल्ड अ गुडविल ऑफ द कंपनी। फिर नेक्स्ट इसमें क्या होता है, क्रिएट करना रेप्यूटेशन कंपनी की, क्रिएट रेप्यूटेशन ऑफ कंपनी किसके थ्रू, थ्रू फिलोसफीज, ठीक है, या फिर अपने ऑब्जेक्टिव्स बताना कंपनी के, अपनी पॉलिसीज बताना, ठीक है। एक आती है ना LIC की पॉलिसी, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, तो ये इनकी टैगलाइन है, पॉलिसीज वगैरह। नेक्स्ट इसमें देखो थर्ड है रीजन वाई, ये नाम है ना कॉपी, जैसे फर्स्ट था क्या बताया मैंने, एजुकेशनल, सेकंड बताया इंस्टीट्यूशनल कॉपी, अब रीजन वाई इसका क्या मतलब होता है, रीजन बताना कंज्यूमर्स को, रीजन टू गिव कंज्यूमर्स
बहुत सारे रीजंस बताना है, रीजंस टू बाय द प्रोडक्ट. ये थ्योरी रीजन वाई ये किसने दी थी? क्लॉड हॉपकिंस. ये नाम याद रखना है आप लोगों को, क्लॉड हॉपकिंस ये नाम, ये इसने बताया था. ठीक है, इन्होंने पॉपुलर किया था. क्या होता है? विथ साउंड रीजंस एंड आर्ग्यूमेंट्स. अच्छे रीजंस एंड आर्ग्यूमेंट्स. दिस कॉपी सीक्स टू कन्विंस द रीडर्स. दिस कॉपी, ये जो कॉपी बनती है ये क्या करता है? कन्विंस करता है रीडर्स को. अबाउट why अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट शुड बी परचेज. अबाउट why अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट शुड बी परचेज. नेक्स्ट देखो इसमें, नेक्स्ट कॉपी कौन सी होती है? ह्यूमन इंटरेस्ट कॉपी. ये क्या होती है? ये कॉपी क्या करती है? लोगों के इमोशंस और अपील्स को वो करती है. जैसे सिंपथी दिखाना, क्यूरियोसिटी बताना, लर्निंग बताना, क्वेश्चंस करना, मतलब जिसमें ह्यूमन को या ह्यूमन सेंटिमेंट्स को टच करती हुई एडवर्टाइजमेंट जो बनती है उसको बोलते हैं ह्यूमन इंटरेस्ट कॉपी. दिस कॉपी मेक्स इट, ठीक है, क्या करता है? अपील करता है. किसको? अपील टू द इमोशंस, सिंपथी, फियर, ह्यूमर, है ना, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं ह्यूमन के, क्यूरियोसिटी, लर्निंग, क्वेश्चन करना, ये भी एक ह्यूमन का है. तो ये होती है ह्यूमन इंटरेस्ट कॉपी. ठीक, तो फियर, फियर इसमें भी देखो, अगर फियर कॉपी है तो किस टाइप का है? लोगों को रिस्क, डेंजर, या उनसे उनको डरा के, जैसे लाइफ इंश्योरेंस का देखो, या मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह होते हैं ना, ये कैसे लिया जाता है? लोगों को डरा के, ना. तो ये हो गया अपना फियर कॉपी. कुछ पूछना है शेखर? पूछो. नो मैम. माइक म्यूट कर लो फिर. समझ में आ रहा है? कोई डाउट है तो पूछो पहले, फिर आगे बढ़ती हूँ, नहीं तो. आयुष, कोई डाउट है? नो मैम. ठीक है, कहीं डाउट होगा तो तुरंत पूछ लेना. नेक्स्ट देखो, इसमें फियर कॉपी कैसे यूज होता है. देखो, जो फियर वाली एडवर्टाइजमेंट बनती है, मेडिकल इंश्योरेंस वाली क्लेम, लोगों को डराते हैं ना, आपके साथ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है आपको, इसलिए आपको ये परचेज कर लेनी चाहिए. तो ये फियर कॉपी हो गई. फिर कौन सी होती है? स्टोरी कॉपीज होती हैं, जिसमें अपन वो मैगी वाली एड नहीं बताते हैं, ये मेरी ये वाली मैगी, वो वाली मैगी, तो काइंड ऑफ स्टोरी है ना. ह्यूमर मतलब कॉमेडी टाइप का. लर्निंग, वो जो आजकल अनअकैडमी और एड्यूटेक इन सब का जो ऐड आता है, तो वो लर्निंग. सिंपथी मींस ये जो यूनिसेफ और ये सब डोनेशंस का नहीं आता है ऐड, कि अगर कुपोषण इतना है, अगर आप उसमें से 500 भी देंगे, तो ये सब ह्यूमन इंटरेस्ट कॉपी बोलते हैं इन ये वाली एड्स को. नेक्स्ट इसमें देखो, फिफ्थ इसमें अगर आएगा, ह्यूमरस कॉपी, ह्यूमर. ठीक है, ह्यूमरस कॉपी. ये क्या होता है? अभी जैसे ऐड आती है ना एक दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की न्यू वाली एक जियो की जो आती है, उसमें देखो लोग ह्यूमर यूज करते हैं. देखा है उसमें जो डेटा रोल ऑन करता है, मतलब जो डेटा 30 तक खत्म हो जाएगा उसको 1-2-3 तारीख तक भी वो लोग रोल ऑन कर रहे थे. देखिए ये वाली एड आजकल आती है टीवी में जियो की, कि जो आपका डेटा बचा है उसको नेक्स्ट मंथ में हम यूज कर सकते हैं. देखिए. यस मैम.
उसमें वो लोग कैसे इनिशिएट करते हैं अपनी आर्ट को, वो क्या घर के काम करने से, जो घर में अपन काम करते हैं उससे कोरिलेट करते हैं ना कि 15 डेज मुझे करना है, 15 डेज तुम्हें, तुमने 17 डेज किया, तो वो लोग ह्यूमर यूज की जैसे ऑडियंस अट्रैक्ट हो से, है ना, तो ये सब टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट इसमें हम बोल सकते हैं डिस्क्रिप्टिव कॉपी। डिस्क्रिप्टिव कॉपी क्या होती है, जिसमें हम प्रोडक्ट या फिर हम जो सर्विस दे रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन यूज कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, मतलब वही कॉपी का क्या होता है, मेजर फोकस है प्रोडक्ट का, ठीक। तो डिस्क्रिप्टिव मटेरियल, लेकिन ज्यादा वेग नहीं होनी चाहिए, ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, नहीं तो उसमें क्या हो जाती है, एडवर्टाइजमेंट ना बोर हो जाती है, बोरिंग हो जाती है। नेक्स्ट देखो टेस्टिमोनियल कॉपी होती है, टेस्टिमोनियल कॉपीज ऑलमोस्ट पुरानी एडवर्टाइजमेंट्स हैं, बट क्या होता है इसमें सेलिब्रिटी इसको यूज किया जाता है, इसको ये समझ लो, क्योंकि वो जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो वाइडली नोन होते हैं, मतलब सब उनको जानते हैं, ठीक है, टीवी फ्रॉम फिल्म स्टार्स, टीवी स्टार्स, स्पोर्ट्स या फिर म्यूजिक से जो होते हैं, है ना, तो ये सब रहते हैं इसमें। फिर एट्थ है डायलॉग कॉपी। डायलॉग कॉपी कौन सी होती है बताओ, कोई एक्सप्लेन कर सकता है तुम्हें से डायलॉग कॉपी क्या होगी? देखो जो मैंने बताया ना, कॉपी मीन्स यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट, जो हम एडवर्टाइजमेंट रेडी कर रहे हैं उसका जो मटेरियल, जो स्क्रिप्ट रेडी की जाती है, तो डायलॉग कॉपी क्या होती है, कभी कभी डायलॉग्स बोल दिए जाते हैं ना, तो डायलॉग्स कॉपी अगर अच्छे से लिखी रहती है डायलॉग्स, तो वो एड क्या हो जाती है, इंटरेस्टिंग हो जाती है, फिर क्या हो जाती है, वो कन्विंसिंग हो जाती है। तो जो डायलॉग्स हैं ये क्या होने चाहिए, मस्ट बी वेल रिटन होने चाहिए। नेक्स्ट देखो इसमें नरेटिव कॉपी, जैसे स्टोरी नरेटिंग टाइप का करते हैं इसमें, इंटरेस्टिंग करने के लिए, टू मेक इंटरेस्ट। नेक्स्ट उसमें क्या होता है, सजेस्टिव कॉपी। जिसमें सजेशंस के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपन, तो वो होती हैं सजेस्ट कॉपीज। ऐसे करके बहुत सारी होती हैं। 11th देखो, एक्सपोजिटरी कॉपी। एक्सपोजिटरी कॉपी क्या होती है, ये जो कॉपी होती है ये क्या एक्सप्लेन करती है, फैक्ट्स, एक्सप्लेन द फैक्ट्स डायरेक्टली, ठीक है, ये प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बताती है, एनीथिंग, ठीक है, ये फैक्ट्स को छुपाते नहीं है, डू नॉट हाइड द फैक्ट्स, इसमें फैक्ट्स वगैरह नहीं छुपाए जाते हैं। इसमें कॉपी बहुत सिंपल होती है और इसमें डायरेक्ट अप्रोच यूज किया जाता है। 11th साइंटिफिक कॉपी, ये सब टाइप्स है ना, और ये बहुत इम्पोर्टेंट पूछता ही है एग्जाम में इस यूनिट से। फिर साइंटिफिक कॉपी क्या होती है, जिसमें हम प्रोडक्ट्स के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को बता रहे हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इन आर एग्जामिन, जो फीचर्स हैं या जो मेरिट्स हैं इस प्रोडक्ट के
वो क्या होता है साइंटिस्ट वे यानी साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन किए जाते हैं ताकि लोग उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सके। सपोज अगर कुछ खाने पीने का प्रोडक्ट है जैसे च्यवनप्राश वगैरह है ना या फिर हनी है तो उसके बेनिफिट्स बताए जाते हैं और फिर वो मेडिसिन या ड्रग्स वगैरह में कैसे यूज होते हैं वो भी बताए जाते हैं, वो कितने ड्यूरेबल हैं हम उसमें वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये थे इसके फीचर टाइप्स। और नेक्स्ट इसमें दो तीन पार्ट्स और कर सकते हैं इसमें, जैसे कि 30 एक होता है टॉपिकल। टॉपिकल में क्या होता है रिसेंट जो इवेंट्स होते हैं ना वो बताए जाते हैं, रिसेंट इवेंट्स जैसे स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, बजट्स क्या है, उससे ऐड बनना, तो ये टॉपिकल में आते हैं रिसेंट इवेंट्स। फिर क्वेश्चनिंग कॉपी होती है एक, ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स जिसमें क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं है ना, मतलब माइंड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, तो इसको बोलते हैं अपन क्वेश्चनिंग कॉपी। नेक्स्ट एक होती है प्रेस्टिज कॉपी। प्रेस्टिज कॉपी क्या होती है, ये डायरेक्ट एडवर्टाइज नहीं किए जाती है बट एक फेवरेबल एटमोस्फियर क्रिएट किया जाता है, ठीक है, फॉर द प्रोडक्ट, मतलब उस प्रोडक्ट को इनडायरेक्टली प्रमोट किया जाता है एक अच्छा एनवायरमेंट बता के, फेवरेबल एटमॉस्फेयर फॉर द सेल ऑफ द प्रोडक्ट, ये हो गया। फिर एक होती है कंपैरेटिव, जब हम दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ अपने प्रोडक्ट्स को कंपेयर करवाने के लिए ऐसी टेक्स्ट, मतलब जैसे टाइड वगैरह का आता है ना एड, सर्फ वगैरह का या हार्पिक वगैरह का कंपेयर करते हैं जिसमें, नेक्स्ट होती है एक इंटेंशनल कॉपिंग। इंटेंशनली एडवर्टाइजमेंट क्रिएट की जाती है कि सामने वाले के प्रोडक्ट को खराब दिखाया जाए या फिर हम अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, तो ये होती है इंटेंशनल कॉपिंग। तो ये टाइप्स ऑफ कॉपी थी, अगर इसमें कोई डाउट है किसी वाले भी पॉइंट में तो तुम दोनों पूछ सकते हो। आयुष, शेखर, अब नेक्स्ट हम रीड करेंगे एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स या फिर स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। कोई भी एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, देखो मैं आपको स्क्रीन पर एक शेयर करती हूँ आप समझेंगे, कल मैंने एक स्क्रीन पे शेयर भी की थी तो देखो उसको। ये देखो ये एड दिख रही है स्क्रीन पे, ये वाली देखो 6.25 विल इट ब्लो योर माइंड अवे, तो देखो टैगलाइन है ये इट ब्लो योर माइंड अवे है, या फिर बर्गर किंग की एडवर्टाइजमेंट है तो देखो कंपनी का लोगो भी आ गया, ये देखो ये जो भी लिखा है 6.25 पर मील, ये भी डॉलर का कोको कोला और ये क्या लिखा है फ्रेंच फ्राइज, ये देखो, तो ये सारी जो भी है ये देखो, तो ये एड है, ये हेडलाइन है देखो, ये हेडलाइन है देखो, इट ब्लो योर माइंड अवे, तो 6 to 8 वर्ड्स की हेडलाइन। फिर उसका बॉडी पार्ट्स क्या है इसमें देखो 6.25 मील, तो देखो एड ये क्या है, ये प्रिंट वाली है या फिर हम जो एड चलती है अपनी, हम जो मोशंस वाली एड होती है ना, जैसे एक आध मिनट की एड होती है या 30-40 सेकंड की जो एड होती है तो वो भी होती है, और देखो इसमें कंपनी का लोगो भी आ जाता है, तो ये सब है एडवर्टाइजमेंट। तो देखो नेक्स्ट इसमें अगर मैं दिखाऊं आपको, अभी जो एडवर्टाइजमेंट कॉपी देखी उसमें क्या क्या था, एक हेडलाइन, फिर नेक्स्ट क्या होता है इसमें हेडलाइन के अलावा सब हेडिंग्स,
फिर क्या होता है उसमें, बॉडी कॉपी हम क्या बताना चाह रहे हैं, फिर उसके अलावा उसमें कल मैंने ये तीन डिस्कस करवाए थे लास्ट क्लास में, अब नेक्स्ट उसमें ऐड करो प्राइस, फिर प्रूफ भी तो बताते हैं अपन एडवर्टाइजमेंट्स में, कभी कभी प्रूफ तो देते ही अपन। स्लोगन रहता है जैसे अभी क्या था, इट ब्लो योर माइंड अवे, ठीक है। फिर क्या होता है कभी कभी जैसे LIC का देखा जाए तो जीवन के साथ भी है ना, जीवन के बाद भी, फिर नेक्स्ट क्या होते हैं इसमें, विजुअल एलिमेंट्स होते हैं जैसे उसमें बर्गर का वो था ना, और कोक का, और क्या था उस एड में अभी, फ्रेंच फ्राइज थे, विजुअल एलिमेंट्स जो दिखने को मिले। फिर नेम एंड एड्रेस भी रहती है उसमें, ऑब्वियस है रजिस्टर्ड ऑफिस का नाम और पता रहता है। नेक्स्ट क्या होता है उसमें, कूपन वगैरह भी दिए जाते हैं, जैसे अगर आप लोग डोमिनोज वगैरह जाएंगे उसके एड्स होंगे तो आपको कूपन भी दिए जाते हैं उसमें। फिर क्या रहता है उसमें, लेआउट और डिजाइन, किस टाइप का लेआउट है उसका, क्या डिजाइन रहेगा आपकी उस कॉपी में, इलस्ट्रेशंस एंड फोटोज डाले जाते हैं। फिर कलरिंग की जाती है, अच्छे अच्छे मल्टी कलर्स ब्राइट कलर्स यूज करते हैं, अगर कोई वही राजस्थान की ऐड होगी तो एकदम कैसा रेत वाला डेजर्ट वगैरह दिखाता है पहले, फिर उसमें ऊंट वगैरह कैमल्स वगैरह दिखाएगा, यही चीज अगर गोवा की होगी तो उसमें बीच वगैरह दिखाएगा। तो कलरिंग, तो वहां का कैसा एटमोसफेयर है। नेक्स्ट देखो, टिपोग्राफी, ठीक है, ये इसमें अपियरेंस और अरेंजमेंट बोल सकते हैं, जो वर्ड्स जिसमें यू रहते हैं एडवर्टाइजमेंट, हैंड रिटन है कि टाइप पे है, या फिर लोगों का मूड कैसा है, तो उनके ऊपर टाइपोग्राफी पे भी यूज किया जाता है। क्लोजिंग आइडिया, एड किस तरफ से हम कैसे बंद कर रहे हैं तो वो भी रहता है उसका, हम क्या जैसे कभी कभी एड क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछ के बंद कर दें या इन्फॉर्म करके खत्म कर दिया, तो कंक्लूड, क्लोजिंग आइडिया मीन्स हाउ वी आर कंक्लूडिंग। नेक्स्ट है इसमें सिग्नेचर और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं उसमें, फर्म के कंपनी के सिग्नेचर और आइडेंटिफिक, जैसे लोगो रह गया कंपनी का, तो यही सब आता है। तो ये है हेडलाइंस है, सब हेडिंग्स है, बॉडी कॉपी है। यहाँ तक डाउट है किसको, एलिमेंट्स कंपोनेंट या स्ट्रक्चर में तो पूछो, एसेंशियल्स ऑफ अ गुड एडवर्टाइजिंग कॉपी, ठीक। तो कौन कौन सी चीजें जरूरत है एक कॉपी, जो हम एक मटेरियल रेडी कर रहे हैं ना, मटेरियल रेडी या स्क्रिप्टेड मटेरियल है ना, तो क्या क्या एसेंशियल्स हैं। फर्स्ट है अटेंटिव वैल्यू, अटेंशन क्रिएट कर सकें, मतलब हम ऐसी कॉपी क्रिएट करें उस एडवर्टाइजमेंट की कि वो उसका अटेंशन ड्रॉ कर सके, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक फर्स्ट स्टेप होता है सेलिंग प्रोसेस का। मैंने पर्सनल सेलिंग में AIDA थियोरी ऑफ सेलिंग बताई थी, अगर किसी को याद होगी, AIDA थियोरी ऑफ पर्सनल सेलिंग बताई थी। तो अटेंशन, तो वही अटेंशन वैल्यू, ये फर्स्ट स्टेप भी होता है किसी भी सेलिंग प्रोसेस का, तो अटेंटिव होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या होती है उसमें, सजेस्टिव वैल्यू होनी चाहिए कि वो ऐड क्या कर सके, सजेस्ट कर सके थ्रू रैशनल स्लोगन्स, है ना। नेक्स्ट मेमोराइजिंग वैल्यू होनी चाहिए, ऐड ऐसी हो कि लोगों को याद रह जाए, मेमोराइज हो जाए, ऐसे नहीं कि लोग उसको देखें और भूल जाए, अच्छे स्लोगन्स होने चाहिए। कुछ कुछ जो कीवर्ड्स होते हैं जो हम हाईलाइट करवाना चाहते हैं उस एड में, उसको 3 to 4 times यूज करो, लोगो अच्छे से लगाओ, कंपनी का ब्रांड नेम अच्छे से यूज करो, मेमोराइजिंग वैल्यू। नेक्स्ट है इसमें कन्विक्शन वैल्यू, कन्विक्शन क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स, सिंपली प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करना, कोई ध्यान नहीं देता, कन्विक्शन वैल्यू क्रिएट करना, लोगों से आर्ग्यूमेंट करना, क्वेश्चंस करना उनसे, क्या बोल सकते हैं इसमें, उनको रीडर्स वगैरह हमको कन्विंस करना है, तो उसके लिए सिंपली बताना नहीं है हमको, उनको क्या करना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है रीडर्स को,
टू कन्विंस द रीडर्स. तो ये हो जाता है कन्विक्शन वैल्यू. फिर है इसमें सेंटिमेंटल वैल्यू. ठीक है, तो सेंटिमेंटल वैल्यूज लोगों के इमोशंस फीलिंग्स को कोरिलेट करना है इसमें. एजुकेटिव होनी चाहिए, एसेंशियल्स ये हमने अभी भी किया था टाइप्स में, चाहे किस भी टाइप की हो एजुकेशन होनी चाहिए. और दूसरा इंस्टिंक्ट अपील वैल्यू होनी चाहिए उसमें. अपील करे, लोगों को अट्रैक्ट कर सके, है ना, इंड्यूस कर सके कस्टमर्स को कि वो मार्केट में जाएं और उस प्रोडक्ट को क्या करें, परचेज करें. तो क्या होनी चाहिए उसमें, इंस्टिंक्ट अपील वैल्यू होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट की. तो ये थे एसेंशियल्स और किसके एडवर्टाइजमेंट कॉपी के. नेक्स्ट इसमें देखो, स्लोगन क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट स्लोगन. स्लोगन एक शॉर्ट फ्रेज होता है जो हम यूज करते हैं एक ब्रांड इमेज को क्रिएट करने के लिए, आइडेंटिटी बताने के लिए, या फिर अपने पोजीशन, किसकी ब्रांड की पोजीशन बताने के लिए, या उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने के लिए. ठीक है, तो किसका यूज होता है, स्लोगन. स्लोगन्स क्या होता है, एक थीम होती है कंपनी की एडवर्टाइजमेंट की, सम ऑफ द थीम ऑफ कंपनी. कंपनीज एडवर्टाइजिंग है ना, टू डिलीवर एन ईजली रिमेंबर्ड मैसेज इन फ्यू वर्ड्स. तो उसको बोलते हैं स्लोगन. एक अच्छा स्लोगन जब हम यूज करते हैं तो लोगों के माइंड में रह जाती हैं ये बातें. तो जो भी हम एडवर्टाइजमेंट का वर्ड यूज करेंगे तो उसमें एक सेकेंड वर्ड आता है माइंड में, स्लोगन. कि स्लोगन को हमको कैसे उसको करना है. स्लोगन क्या होता है, सम अप कर देता है चीजों को. ठीक है, शॉर्ट फ्रेज यूज हो रहता है. जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं हम स्लोगन्स के, जैसे नाइक कंपनी है उसका स्लोगन है जस्ट डू इट. ठीक है, सबवे का स्लोगन क्या है अपने पास, ईट फ्रेश. ठीक है, तो ऐसे ही कुछ स्लोगन्स हैं. मैकडॉनल्ड्स का देख लो स्लोगन, आई एम लविंग इट, है ना. तो ये स्लोगन्स क्या होते हैं, एक कंपनी की थीम को सम अप किया जाता है एक ही उसमें, ताकि लोगों के माइंड में याद रह जाए. नेक्स्ट देखो, ये एक तरीके का की मीन्स है. ठीक है, एक मेन एम है कि हम यूएसपी बोलते हैं. यूएसपी क्या होता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट. ये वर्ड आप लोगों ने एड वगैरह में ज्यादा सुना होगा कि ये मेरी यूएसपी है. वॉट इज यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट. किसके लिए, टू पोटेंशियल कस्टमर्स. नेक्स्ट इसमें क्या बोल सकते हैं, अगर हमारा स्लोगन एक बैड है ना, अ बैड स्लोगन, तो अच्छे से ज्यादा बुराई कर देगा. मोर डू मोर हार्म देन गुड. तो अच्छे से सोच समझ के एडवर्टाइजमेंट का स्लोगन होना चाहिए, डू मोर हार्म देन गुड. अब इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जिससे हम अपने स्लोगन को अच्छे से अट्रैक्टिव या क्रिएट बना सकते हैं. स्टेप्स टू क्रिएट एन इफेक्टिव मार्केटिंग स्लोगन. पहला क्या हो सकता है, कंसिडर वाई यू नीड अ स्लोगन. आपको स्लोगन की नीड है ही क्यों. इट मीन्स कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों,
किस चीज के लिए ये बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम कुछ चीजें बताना चाहते हैं या फिर हम अपने ब्रांड को दूसरे ब्रांड से अलग बताना चाह रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इफेक्टिव स्लोगन। तो हमको क्यों चाहिए पहले वो हमको पता होना चाहिए, फिर उसके बाद बी ट्रूथफुल। अगर आप स्लोगन दे रहे हैं तो आप सच बोलिए, झूठ नहीं बोलिए, ठीक है। तो अगर हम कुछ ऐसा स्लोगन या वर्ड यूज कर रहे हैं जो सच नहीं है, जैसे कि हम इसमें वर्ड यूज करें वी आर द बेस्ट सेलर्स या वी आर द बेस्ट शू मेकिंग इंडस्ट्री, लेकिन उसी लोकेलिटी में आपके पास सेम इंडस्ट्री है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वी आर द बेस्ट, है ना। तो सोच समझ के, या फिर ऐसा कोई स्लोगन, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, चेक यू डोंट चूज अ स्लोगन दैट इज ऑलरेडी ट्रेडमार्क, जो ऑलरेडी किसी ने ले लिया है या ट्रेडमार्क करवा दिया है। तो ये तो एथिक्स के भी अगेंस्ट है, बिजनेस के, ट्रेडमार्क। नेक्स्ट है इसमें मेक योर स्लोगन कस्टमर फोकस्ड, तो अपना जो स्लोगन है वो कस्टमर फोकस्ड होना चाहिए, कस्टमर की नीड्स लाइक्स पैशंस इन सबको ध्यान में रखते हुए। कंसिडर हायरिंग अ मार्केटिंग कंसल्टेंट, जो मार्केटिंग फर्म्स होती है ना, एजेंसीज, उनसे हम कंसल्ट कर सकते हैं, हम उनसे सर्विस परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, हम इसको रजिस्टर करवा सकते हैं, एट रजिस्टर इट एज अ ट्रेडमार्क, जैसे बैंक्स वगैरह के स्लोगन से ना, जैसे यस बैंक वगैरह के स्लोगन से, IDBI बैंक वगैरह के, तो ये एक तरीके का ना उनका ट्रेडमार्क भी बन सका, बन गया है ना, तो हम इनको वो भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ट्रेडमार्क। जैसे कि यस बैंक का एक, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ऐसे एक रहता है इसमें, ऐसे ब्लू कलर से लिखा फिल किया रहता है, देखो मैं ट्राई करती हूँ, अगर बना तो ठीक है, ब्लू कलर का रहता है ना यस बैंक का, ऐसे पूरा फिल किया रहता है उसमें, फिर उसमें वाइट कलर से करते हैं वो लोग, ये देखो इस टाइप से कुछ, ये यस बैंक करके बना रहता है ये। फिर उसमें रेड कलर का ना एक टिक्ड भी रहता है राइट करके, ऐसे करके रहता है अगर किसी ने नोटिस किया होगा तो। फिर उसके नीचे उसका एक रहता है टैग लाइन, देखा है ना उसमें, फिर उसमें एक लिखी रहती है एक्सपीरियंस अवर कस्टमर, क्या एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज, अभी तो चेंज भी हो गया होगा मेरे ख्याल से कुछ स्लोगन। तो देखो ये रजिस्टर इट एज अ ट्रेडमार्क, तो ये पूरा वर्ड ये एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज, और ऐसे करके लोग इसका ट्रेडमार्क भी बना लेते हैं। लास्ट है रिव्यू योर स्लोगन रेगुलरली, है ना, रिव्यू योर